Yeah, so today we will talk about, discuss about IABP. So IABP is, as you all told, it's intra-aortic balloon pump. Uska dusra naam hai intra-aortic balloon pump counter pulsation. Okay. So ye jo hai yahan pe, so this is IABP catheter jo abhi maine aapko diya hai. One by one aap usko dekh sakte ho. तो ये जो है वो बलून जनरली 40 cc वॉल्यूम यानी 40 ml का वॉल्यूम उसमें इन्फ्लेट उसके जनरली उतना डालते हैं एवरेज एडल्ट पेशेंट उसका जो अलग अलग साइज आते हैं 20 cc का आता है 30 cc का आता है 40 और 50 cc का जो लार्ज एडल्ट है जिसका हाइट 182 सेंटीमीटर से ज्यादा है उसके लिए 50 cc का बलून चाहिए। और हम ये जनरली हमारे हॉस्पिटल में दो टाइप के IABP मशीन अवेलेबल है। एक ये डेटास्कोप, ये डेटास्कोप मैके कंपनी का है, ये कंसोल है तो इससे हम सब रेगुलेट कर सकते हैं। और दूसरा है एरो कंपनी का। तो ये जो कैथेटर है वो या तो डेटास्कोप या तो एरो कंसोल के साथ हम कनेक्ट करते हैं, राइट। तो सबसे पहले हम जो है क्लिनिकल एस्पेक्ट समझेंगे IABP का, उसके बाद हम जो मशीन का पार्ट है, मशीन का एस्पेक्ट है उसको समझेंगे, राइट। तो क्लिनिकल पार्ट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो IABP कैथेटर हम फिमोरल लाइन, फिमोरल आर्टरी से, ये इसमें जैसे दिखाया गया है दिस इज राइट फ्यूमर है, तो राइट फ्यूमर आर्टरी से हमने ये बलून कैथेटर डाला है। तो बलून का जो टीप है ये सबक्लेवियन आर्टरी, लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी है, तो उसके 2 cm नीचे तक रहना चाहिए इसका टीप। और आइडियली शुड बी जो बलून है उसका जो लोअर एंड है वो जो रीनल आर्टरी होती है उसके ऊपर होना चाहिए। तो ये जो इतना जो एरिया है एओर्टा का उसमें ये बलून इन्फ्लेट होता है और डिफ्लेट होता है, राइट। तो ये है फ्यूमोरल आर्टरी से डाला है, राइट और लेफ्ट कोई भी फ्यूमोरल आर्टरी से डाल सकते हैं। और दूसरा उसको हम सबक्लेवियन आर्टरी यानी कि एक्सिलरी आर्टरी से, यहाँ एक्सिला से एक्सिलरी आर्टरी से अप्रोच करके सब क्लेवियन आर्टरी के थ्रू डाल सकते हैं। यहाँ से डालने का एडवांटेज है कि हम पेशेंट को इसके साथ मोबिलाइज भी कर सकते हैं। फीमोरल से डाला है तो पेशेंट बेड पे ही रहता है, वी कैन नॉट मोबिलाइज दैट पेशेंट। इसमें हम पेशेंट को IABP के साथ चेयर सिट करवा सकते हैं, मोबिलाइज भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि हमारे हम IABP क्यों डालते हैं, IABP डालने का क्या मतलब है, क्यों क्यों डालना पड़ता है IABP। तो हमारा कोई भी हम पेशेंट को ट्रीट करते हैं तो हमारा गोल क्या होता है, वो पेशेंट को एडिक्वेट ऑक्सीजन डिलीवरी, हमें हर एक टिश्यू को ऑक्सीजन मिले, वो हमारा एम होता है कि हार्ट को, किडनी को, लीवर को, मसल्स को, स्किन को, गट को, सबको हमारे ऑक्सीजन मिलना चाहिए। तो ऑक्सीजन मिलने के लिए दो चीज जरूरी होती है, एक तो ऑक्सीजनेशन ठीक से होना चाहिए और दूसरा है कि जो कार्डियक आउटपुट हमारा है वो मेंटेन होना चाहिए। जब कार्डियक आउटपुट मेंटेन होगा और कार्डियक आउटपुट के साथ प्रेशर भी मेंटेन होना चाहिए। सिर्फ जैसे मान लो कि कार्डियक आउटपुट बहुत ज्यादा है, 6 लीटर नॉर्मली 5 लीटर पर मिनट होता है कार्डियक आउटपुट, कोई कोई कंडीशन में ऐसे वाजोडायलेट हो जाते हैं तो कार्डियक आउटपुट बढ़ जाता है, 6 लीटर 7 लीटर पर मिनट हो जाता है। बट अगर प्रेशर मेंटेन नहीं है तो परफ्यूजन प्रेशर नहीं मेंटेन होता है, यानी हर एक ऑर्गन को अगर हमें ठीक से ऑक्सीजन देना है तो उसका परफ्यूजन प्रेशर मेंटेन रखना पड़ता है, यानी अच्छे ब्लड प्रेशर से मेंटेन करना पड़ता है। सो इसलिए हम बोलते हैं ना कि हमें बीपी मेंटेन रखना है, कि हमें मीन ब्लड प्रेशर 65-70 mmHg जितना मीन ब्लड प्रेशर मेंटेन रखना है, राइट। तो वो हमारा एम है। तभी वो हम, तो प्रेशर क्या है, व्हाट इज प्रेशर। तो प्रेशर जैसे मैंने यह बताया है, कोई भी क्लोज कंटेनर है, कोई भी वेसल ले लो, कोई भी क्लोज कंटेनर है उसमें आप पानी भर दो या गैस भर दो, तो बिकॉज ऑफ वो जो मटीरियल है गैस या पानी है वो उसकी वॉल पे जो प्रेशर एग्जर्ट करता है उसे हम प्रेशर बोलते हैं। तो हमारे बॉडी में वो क्या है कि ब्लड वेसल्स है, तो ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड है, वो ब्लड जो भी वेसल वॉल है हमारे उसके ऊपर जो प्रेशर एग्जर्ट करते हैं वो हम उसको ब्लड प्रेशर बोलते हैं, राइट। तो अभी ये क्या होता है, बलून जो है हमारा जो आर्टेरियल सिस्टम है वो क्लोज कंपार्टमेंट है ना, इट इज क्लोज, और बॉडी इज क्लोज, राइट। तो बॉडी में जो भी आर्टेरियल है क्लोज कंपार्टमेंट, तो अगर वो हम क्लोज कंपार्टमेंट में कोई भी वॉल्यूम इन्फ्लेट करेंगे यानी कोई भी एक्स्ट्रा वॉल्यूम डालेंगे तो वो क्या करेगा, प्रेशर बढ़ा देगा, वो क्लोज सिस्टम जो है उसमें प्रेशर बढ़ाएगा। तो जो पहले प्रेशर वो 60 है बिकॉज ऑफ दिस, ये जो बलून इन्फ्लेट होगा तो उससे वो प्रेशर को जो भी कंटेन है ब्लड है वो हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ाएगा, क्योंकि हम उसमें चीज हम एक बलून एक्सपांड करते हैं वो क्लोज सिस्टम में, राइट। तो इसकी वजह से जब ये डिफ्लेटेड है और जब ये इन्फ्लेट होता है तो वो वॉल्यूम बढ़ता है, उसकी वजह से प्रेशर बढ़ता है। तो ये प्रेशर कब बढ़ता है, ये बलून कब इन्फ्लेट होता है, किसी को आइडिया है ये बलून कब इन्फ्लेट होता है, सिस्टोल में होता है डायस्टोल में होता है, IABP बलून कब इन्फ्लेट होता है, सिस्टोल और डायस्टोल, नहीं पता, वो डायस्टोल में इन्फ्लेट होता है, राइट। सो सिस्टोल क्या है और डायस्टोल क्या है, व्हाट इज सिस्टोल,
सिस्टोल क्या है? व्हाट इज सिस्टोल? किसी को कोई बता सकता है? कॉन्ट्रैक्शन, वेरी गुड। तो जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उसको सिस्टोल फेज बोलते हैं, और जब हार्ट रिलैक्स होता है तो उसको हम डायस्टोल फेज बोलते हैं, राइट? तो जब हार्ट हार्ट अब हम लेफ्ट वेंट्रिकल के बारे में बात करें, क्योंकि हम ये जो डालते हैं वो एओर्टा में डालते हैं ना पंप, तो हम लेफ्ट वेंट्रिकल के बारे में बात करेंगे। तो जब लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड फिल हो जाता है, जब ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में प्रीलोड से जो हमारा विनस रिटर्न आता है एलए से, तो एलवी भर जाता है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो उस टाइम पे एओर्टिक वाल क्या होगा? ओपन होगा ना, एलवी कहां एओर्टा में करेगा, तो एलवी और एओर्टा के बीच में एओर्टिक वाल आता है, तो वो ओपन होगा। जब कॉन्ट्रैक्शन करेगा एलवी तो एओर्टिक वाल ओपन होगा और ब्लड जो है एओर्टा में जाएगा, तो वो सिस्टोल फेज है। और जब धीरे धीरे क्या होता है, वाल कब क्लोज होता है? जब एओर्टिक प्रेशर एओर्टा में प्रेशर एलवी के प्रेशर से बढ़ जाएगा तो वाल क्लोज होगा। वाल ओपन कब होगा? जब एलवी में प्रेशर एओर्टा से बढ़ जाएगा तो वाल ओपन होगा, समझ रहे हो? हाँ। तो जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो एओर्टिक वाल ओपन होगा और ब्लड एलवी से एओर्टा में जाएगा। धीरे धीरे ऐसा फेज आएगा कि एलवी में प्रेशर कम होता जाएगा, क्योंकि एलवी जो है ब्लड है वो एओर्टा में डाल रहा है, और एओर्टा में धीरे धीरे प्रेशर जो है वो बिल्डअप होने लगेगा, क्योंकि वो एलवी से ब्लड ले रहा है। तो जब यहाँ पे प्रेशर बिल्डअप होगा तो एओर्टिक वाल जो है, यहाँ पे एओर्टिक वाल आता है, वो क्लोज हो जाएगा। तो वाल वाल जब क्लोज होता है तब डायस्टोल फेज शुरू होता है। जब एलवी कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उसको सिस्टोल फेज बोलते हैं। तो जब डायस्टोल फेज होता है तब ये बलून इन्फ्लेट होता है, क्योंकि अगर सिस्टोल में बलून इन्फ्लेट हो गया तो एलवी के सामने वो रेजिस्टेंस करेगा ना, एओर्टिक वाल ओपन है उस टाइम पे, अगर बलून इन्फ्लेट होता है तो क्या होगा, वो ब्लड जो आया है एओर्टा में वो भी वापस एलवी में डाल देगा, तो वो हमें नहीं चाहिए। हमें चाहिए कि वो जो हमारे क्लोज सिस्टम में आर्टरी है उसमें बलून, उस टाइम पे बलून इन्फ्लेट हो और ब्लड प्रेशर बढ़ाए। तो जो बलून इन्फ्लेट होता है वो डायस्टोल में इन्फ्लेट होता है। तो सेम वे ये ईसीजी है, तो जैसे ये है ये आर्टेरियल प्रेशर का वेवफॉर्म है, आईएबीपी पे अगर पेशेंट होता है तो ये उसका आर्टरी का वेवफॉर्म है। तो ये जो है, जैसे हम नेक्स्ट करते हैं, तो ये नॉर्मल आर्टेरियल प्रेशर वेवफॉर्म, पहले हम नॉर्मल आर्टेरियल प्रेशर वेवफॉर्म समझेंगे, उसके बाद हम आईएबीपी का वेवफॉर्म कैसे बनता है वो समझेंगे। So, ये नॉर्मल आर्टेरियल प्रेशर वेवफॉर्म, आर्टेरियल प्रेशर वेवफॉर्म देखे ना आप मोस्ट ऑफ जो लोग भी आईसीयू में काम करते हैं सबने आर्टेरियल प्रेशर वेवफॉर्म देखा है, कि आर्टरी आर्टेरियल प्रेशर को कनेक्ट करते हैं ट्रांसड्यूसर, तो कैसा वेवफॉर्म आता है, तो ऐसे वेवफॉर्म्स आते हैं। तो ये जो है वो सिस्टोलिक है, सिस्टोल का है फेज। तो क्या होता है, जब एलवी कॉन्ट्रैक्ट करता है, एलवी कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड ये हम आर्टरी में हमने ट्रांसड्यूसर कैथेटर डाला है और हम मॉनिटर कर रहे हैं, तो जब सिस्टोल आएगा तो ऑब्वियसली ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, तो ये सिस्टोल का फेज है, राइट? और यहाँ पे ये जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम डायक्रोटिक नॉच बोलते हैं। डायक्रोटिक नॉच सजेस्ट करता है कि एओर्टिक वाल बंद हुआ, जब एओर्टिक वाल बंद होगा तब ये डायक्रोटिक नॉच आएगा। तो यहां से लेके यहां तक जो फेज है वो सिस्टोल फेज है, ओके? उस टाइम पे बलून इन्फ्लेट नहीं होता है, उस टाइम पे बलून डिफ्लेटेड रहता है, और जब यहाँ पे एओर्टिक वाल क्लोज होगा यानी डायस्टोल फेज शुरू होगा, तो ये फेज में बलून जो होता है वो इन्फ्लेट होगा। तो यहाँ पे देख सकते हो, ये जो है ये नॉर्मल है, इसमें आईएबीपी ये नॉर्मल वेव फॉर्म है, इसको ऑगमेंट नहीं कर रहे, तो ये डायक्रोटिक नॉच है, तो यहाँ से डायस्टोल फेज शुरू हो रहा है। तो जब हम आईएबीपी डालेंगे तो इस टाइम पे बलून इन्फ्लेट होगा, इस टाइम पे बलून इन्फ्लेट होगा, तो ये डायस्टोलिक प्रेशर है नॉर्मल इतना ही है, राइट? वो ऑगमेंट होके इतना हो जाएगा, समझ रहे हो? तो ये जो ऑगमेंटेशन होता है वो डायस्टोल पे ऑगमेंटेशन होता है, तो जो आईएबीपी है वो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर को ऑगमेंट करता है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर को ऑगमेंट नहीं करता है। यानी जैसे हमारा ब्लड प्रेशर 80/35 है किसी पेशेंट का, जब हम उसको आईएबीपी डालते हैं उसका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर तो थोड़ा कम होगा, 80 से वो 75 या 78 हो जाएगा, पर डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो 35 था वो उसको बढ़ा के मेबी 85-90 कर देगा। तो आईएबीपी डालते हो तब सिस्टोलिक प्रेशर कम, नॉर्मली हमारा सिस्टोलिक प्रेशर ज्यादा रहता है, 120/80 बोलते हैं ना, 120 सिस्टोलिक प्रेशर होता है, 80 डायस्टोलिक प्रेशर होता है। जब हम आईएबीपी डालते हैं तो एक्चुअली बिकॉज बलून डायस्टोल में इन्फ्लेट होता है, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर से भी बढ़ जाएगा, तो इसलिए हम जब आईबीपी डालते हैं तो हमें फिर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर मॉनिटर नहीं करना है, हमें जो ऑगमेंटेड ब्लड प्रेशर होता है, जो ऑगमेंट हुआ है, जो बलून के साथ जो ब्लड प्रेशर आया है उसको मॉनिटर करना पड़ता है। ये बात क्लियर हुई सबको, समझ में आया ये? ओके। तो ये डायक्रोटिक नॉच, जब एओर्टिक वाल बंद होता है और डायस्टोल फेज शुरू होता है तब बलून इन्फ्लेट होगा और प्रेशर बढ़ेगा। सेम चीज यहाँ पे भी दिखाई गई है। तो
मशीन को कैसे पता चलेगा कि ये सिस्टोल है डायस्टोल है, तो दो चीज से, या तो ECG से पता चलेगा उसको, क्योंकि ECG में जो QRS होता है वो डीपोलराइजेशन यानी वो सिस्टोल का फेज बताता है, तो ये जो है ये पार्ट जो है QRS वो सिस्टोल का फेज है, पर ये जब टी वेव आता है ECG में तब डायस्टोल का फेज शुरू हो जाता है, तो जब टी वेव आएगा तब ये यहाँ पे देख रहे हो ये जो है डायक्रोटिक नॉस्टिल ये इन्फ्लेट हो रहा है, और ये बलून का वेव फॉर्म है, बलून इन्फ्लेट हुआ ड्यूरिंग डायस्टोल, और जब ये जब QRS आया जब सिस्टोल फेज शुरू हुआ तो बलून डिफ्लेट होने लगा, तो ये डाउन होने लगा, राइट। तो मशीन को ECG और प्रेशर से वो उसको इंफॉर्मेशन मिलती है कि कब सिस्टोल फेज चल रहा है कब डायस्टोल फेज चल रहा है, और उस हिसाब से बलून उसको मशीन जो है बलून को इन्फ्लेट डिफ्लेट करेगा। तो ये एक बहुत अच्छा वीडियो है जिससे हमें पता चलेगा कि हाउ एग्जैक्टली IABP काम करता है। अगर ये वीडियो आप अच्छे से समझ लेते हो तो काफी सारी चीज आपको IABP के बारे में क्लिनिकल जो आप समझ सकते हो, राइट। तो ये हार्ट जो हम IABP मेनली कौन से पेशेंट में डालते हैं कि जिसमें मायोकार्डियल इंफार्क्शन हो गया है, मींस MI हुआ है पेशेंट को, और उसका जो है कार्डियक आउटपुट है बहुत कम हो गया, इजेक्शन फ्रैक्शन मानो 25-30% हो गया है, उसकी वजह से ब्लड प्रेशर कम हो गया है। तो यहाँ पे यही देखिए जो पर्पल एरिया है वो इन्फार्क्टेड एरिया है, मींस वहां MI की वजह से वो पार्ट है वो स्कार्ड हो गया है, वो इन्फार्क्ट हो गया है, और ये नॉर्मल मायोकार्डियम है, तो इस पेशेंट का इजेक्शन फ्रैक्शन में भी 20-25% होगा, राइट। तो ये पार्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, और उसकी वजह से जो कार्डियक आउटपुट जनरेटर है वो भी बहुत कम हो रहा है, तो उसकी वजह से कोरोनरीज को ब्लड सप्लाई कम मिल रहा है, बराबर। और एक विशेष साइकिल होती है, तो उसमें क्या होता है अभी हार्ट में MI हो गया, हार्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा है, ब्लड प्रेशर कम होगा, ब्लड प्रेशर कम होगा तो कोरोनरीज को भी, कोरोनरीज जो हार्ट को ब्लड सप्लाई पहुंचाती है, हार्ट को भी पंप करने के लिए ब्लड चाहिए ना, वो कोरोनरीज सप्लाई करती है, तो वो भी जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो उसमें से जो कार्डियक आउटपुट जनरेटर का उससे ही कोरोनरी को ब्लड ब्लड मींस ब्लड सप्लाई मिलेगा। तो जब ये EF कम हो जाता है, इजेक्शन फ्रैक्शन कम हो जाता है, तो हार्ट को भी कम ब्लड मिलेगा, हार्ट को कम ब्लड मिलेगा तो हार्ट और कम पंप कर पाएगा, उसका इजेक्शन फ्रैक्शन और कम हो जाएगा, तो ये विशेष साइकिल है। तो और कम कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो कोरोनरी को और कम ब्लड मिलेगा, तो ये चलता ही रहता है साइकिल, ओके। तो हमें वो साइकिल को ब्रेक करना है, तो अगर हार्ट को कम ब्लड सप्लाई मिलेगा तो ये जो उसका जो भी डैमेज है वो बढ़ता जाएगा, धीरे धीरे ये पर्पल एरिया बढ़ता जाएगा, यानी ये इंजेक्शन फ्रैक्शन और कम होता जाएगा, तो हमें उसको तोड़ना है, और इसकी वजह से VTVF हो सकता है पेशेंट को। हमने बहुत बार देखा है ना प्रेशर 60-70 हो गया थोड़े टाइम में पेशेंट को VTVF हो जाता है, तो उसका रीजन वही है। तो हम क्या करते हैं ऐसे पेशेंट को, ऐसे पेशेंट को जिसका कार्डियक आउटपुट कम हो गया है, BP बहुत कम है, उस पेशेंट में हम IABP डालते हैं, राइट। तो IABP क्या करता है, जैसे मैंने बताया कि हम उसको फिमोरल आर्टरी से वो एक बलून डालते हैं, तो अभी वो आएगा एनिमेशन में। तो ये एओटा है, यहाँ पे लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी यहाँ पे जनरली अराइज होती है, तो उससे डिस्टल ही होता है, तो ये हमने IABP डाल दिया उस पेशेंट को। तो यहाँ पे सबक्लेवियन आर्टरी है, सबक्लेवियन आर्टरी से 2 सेंटीमीटर डिस्टल होना चाहिए IABP का टीप। और ये बलून इन्फ्लेट होगा, बलून कौन से कार्डियक साइकिल में इन्फ्लेट होगा, सिस्टोल में या डायस्टोल में? वेरी गुड, तो वो कौन सा प्रेशर बढ़ाएगा? डायस्टोल ब्लड प्रेशर बढ़ाएगा, वेरी नाइस। तो डायस्टोल में एओर्टिक वाल क्लोज होगा, ओपन होगा, वेरी गुड। सिस्टोल में ओपन होगा तभी LV जो है पंप एओर्टा में डाल पाएगा, डायस्टोल में वो क्लोज होगा, राइट। तो अभी ये डायस्टोल फेज में एओर्टिक वाल क्लोज है तब बलून इन्फ्लेट होगा, तो क्या होगा? ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो यहाँ पे जो कोरोनरीज है ये बलून इन्फ्लेट हुआ, तो ड्यूरिंग सिस्टोल द बलून इज डिफ्लेटेड, जब सिस्टोल होगा तब बलून डिफ्लेट होगा और डायस्टोल में इन्फ्लेट होगा, ये सिस्टोल में डिफ्लेट हुआ, तो डिफ्लेट होने का क्या फायदा होगा? जब बलून इन्फ्लेट होगा तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, डिफ्लेट होगा तो क्या होगा? डिफ्लेट कब होगा? जब एओर्टिक वाल ओपन है, सिस्टोल आएगा तब वो डिफ्लेट होगा, तो वो क्या करेगा? बिकॉज वो इन्फ्लेटेड और डिफ्लेट होगा तो एक नेगेटिव सक्शन प्रेशर क्रिएट करेगा, तो उसकी वजह से वो हेल्प करेगा कि LV से ब्लड एओर्टा में आए, तो LV का जो आफ्टर लोड यानी आफ्टर लोड मींस कि जो रेजिस्टेंस के सामने LV को काम करना है वो कम करेगा, तो LV का जो है वो
वॉल स्ट्रेस यानी एलवी का जो रिक्वायरमेंट ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट है वो कम करेगा, वो हेल्प करेगा एलवी को कि वो ब्लड एओर्टा में इंजेक्ट करे, वो थोड़ा ब्लड नेगेटिव प्रेशर वो सक कर लेगा एलवी में से, तो कार्डियक आउटपुट इंप्रूव होगा। तो ड्यूरिंग सिस्टोल वो डिफ्लेट होगा, डिफ्लेट होने से वो जो है एलवी को फेवर करेगा, राइट। तो जब डिफ्लेट है तो एलवी से वो ब्लड इंजेक्ट करने में हमें हेल्प करेगा। सो दिस रिड्यूसेस द स्ट्रेस ऑन द लेफ्ट वेंट्रिकल एंड इंक्रीज द फ्लो टू द कोरो। जब कार्डियक आउटपुट इंप्रूव होगा, जब एलवी से वो ब्लड सर्च करेगा तो ऑब्वियसली वो कोरोनरी को अच्छे से ब्लड सप्लाई कर पाएगा। तो कोरोनरी अच्छे से ब्लड सप्लाई होगी तो मायोकार्डियम को ऑक्सीजन अच्छे से मिलेगा, तो नेक्स्ट टाइम वो अच्छे से और कॉन्ट्रैक्ट कर पाएगा, राइट। तो ये कोरोनरीज का ब्लड सप्लाई बढ़ गया, तो सिस्टोल में भी ब्लड सप्लाई बढ़ा और डायस्टोल में वो जब इन्फ्लेट होता है तो ऑब्वियसली वो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर बढ़ाता है और कोरोनरीज का परफ्यूज मेनली डायस्टोल में होता है। तो वो दोनों सिस्टोल और डायस्टोल दोनों में वो लेफ्ट वेंट्रिकल का ब्लड सप्लाई बढ़ाएगा। देखा, डायस्टोल में जब ये बलून इन्फ्लेट होता है तो यहाँ पे प्रेशर बढ़ेगा, तो कोरोनरीज यहाँ पे होती है लेफ्ट एंड राइट कोरोनरी, लेफ्ट कोरोनरी दिखाई गई यहाँ पे, तो यहाँ पे ऑब्वियसली उसका सप्लाई बढ़ेगा। तो मायोकार्डियम का हार्ट का सप्लाई तो बढ़ेगा, उसके साथ ऑब्वियसली रीनल का सप्लाई भी बढ़ेगा क्योंकि आर्टेरियल सिस्टम तो पूरी पूरी बॉडी में इंटेक एक ही है। तो जब वो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर बढ़ाएगा तो किडनी को भी अच्छे से अच्छे ब्लड प्रेशर से ब्लड मिलेगा। यानी आपने देखा ना बहुत सारी बार आईएबीपी डालते हैं, पहले यूरिन नहीं आता है, 70-80 ब्लड प्रेशर होता है, यूरिन नहीं आता है, हम आईएबीपी डालते हैं उसके 1-2 घंटे में तो 100-200 ml/hr यूरिन आउटपुट शुरू हो जाता है क्योंकि ब्लड प्रेशर बढ़ते हैं तो वो किडनी का भी ब्लड सप्लाई बढ़ाता है, राइट। तो अल्टीमेटली क्या करता है वो, हार्ट में ऑक्सीजन की सप्लाई, मायोकार्डियम को ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ाता है और डिमांड कम करता है, तो वो एलवी को फेवर करता है। तो इंडिकेशंस क्या है, तो इंडिकेशंस जैसे हमने देखा कि कोई भी पेशेंट जिसका इजेक्शन फ्रैक्शन कम हो गया है, 20-25% इजेक्शन फ्रैक्शन है, तो उसमें वो सपोर्ट करता है, राइट। तो एमआई का पेशेंट हो गया, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन होने के बाद अगर उसको वीएसडी हो गया तो उसको एक्यूट माइटर रीगर्जिटेशन हो गया, ऐसे पेशेंट में वो इंडिकेटेड है। कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है, अगर पेशेंट को एओर्टिक रीगर्जिटेशन है तो नहीं डाल सकते क्योंकि डायस्टोल में एओर्टिक रीगर्जिटेशन होगा, बलून इन्फ्लेट करेंगे तो ऑब्वियसली ब्लड सब एलवी में वापस आ जाएगा बिकॉज एओर्टिक रीगर्जिटेशन है। या तो पेशेंट को पेरिफेरल वास्कुलर डिसीज है, या तो ब्लीडिंग डायस्टेसिस है, ऐसा कुछ है, ओके। या तो पेशेंट को एओर्टिक डिसेक्शन है, या तो बहुत बड़ा एओर्टिक एन्यूरिज्म है, तो उस सब में हम उस पेशेंट को एओर्टा में बलून नहीं डाल सकते, तो वो कॉन्ट्रा इंडिकेशन है। कॉम्प्लिकेशन क्या है, लिम्ब इस्केमिया, जैसे हमने वहां पे हिमेटोमा होगा या तो स्मॉल वेसल से उसमें हमने कैथेटर डाला तो जो लिम्ब है उसका इस्केमिया हो जाएगा, एम्बोलिज्म हो सकता है, एयर एम्बोलिज्म हो सकता है, थ्रोम्बो एम्बोलिज्म हो सकता है, वो जो बलून है या तो कैथेटर उस पे क्लॉट होकर एम्बोलाई बन सकता है, ब्लीडिंग हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, पेशेंट को स्ट्रोक हो सकता है बिकॉज ऑफ दिस हेमरेज और बिकॉज ऑफ दिस एम्बोलिक स्ट्रोक, राइट। देन एओर्टिक डिसेक्शन हो सकता है, या तो हीलियम, ये जो गैस होता है जिससे ये बलून इन्फ्लेट डिफ्लेट होता है वो हीलियम गैस होता है, आपने देखा ना पीछे हीलियम सिलेंडर होता है छोटा सा, तो वो हीलियम गैस होता है। तो साइज सिलेक्शन जैसे मैंने बताया कि 4 साइज के बलून होते हैं, 25, 34, 40 और 50 cc, तो मोस्ट ऑफ द एवरेज पेशेंट्स आर बिटवीन 162 सेंटीमीटर टू 183 सेंटीमीटर, उनके लिए 40 cc का बलून चाहिए हमें। तो अभी हम देखेंगे, ये हो गया क्लिनिकल एस्पेक्ट कि आईएबीपी क्यों चाहिए, कौन से पेशेंट में चाहिए, वो कैसे काम कर सकता है, कौन सा प्रेशर बढ़ाता है, क्या एडवांटेजेस है। अभी हम उसका जो मैनुअल है, मैनुअल पार्ट देखेंगे, मशीन पार्ट देखेंगे कि उसमें क्या करना है। तो सबसे पहले इनिशिएशन, तो सबसे पहले यहाँ पे पीछे एक स्विच आती है जिससे हम आईएबीपी मशीन को ऑन कर सकते हैं। उसके बाद हमें यहाँ पे हीलियम का जो है वो टैंक का जो है चेक करना है कि वो हमने ये हीलियम सिलेंडर है, छोटा सा हीलियम सिलेंडर है, हमने ओपन किया है कि नहीं। उसके बाद ईसीजी केबल कनेक्ट करना है, ओके। और उसके बाद हमारा जो प्रेशर ट्रांसड्यूसर है यहाँ पे कनेक्ट होगा तो हमें प्रेशर मिलेगा, हाँ। और ये जो हमारा आईएबीपी का जो बलून का लाइन है जो मैंने दिखाया ना आपको, वो बलून का लाइन यहाँ पे, वो यहाँ पे कनेक्ट होगा, राइट। तो ये सब कनेक्शन करने है। उसके बाद हमें सबसे पहले जो प्रेशर ट्रांसड्यूसर है उसको जीरो करना है, राइट। तो प्रेशर ट्रांसड्यूसर को जीरो करने के लिए उसको ओपन, ट्रांसड्यूसर को ओपन टू एयर करके ये जो बटन है उसको 2 सेकंड के लिए होल्ड करना है, तो वो जीरो हो जाएगा। जीरो हो जाने के बाद वो ब्लड प्रेशर दिखाएगा, जैसे ये पेशेंट का है 126 सिस्टोल ब्लड प्रेशर है और 85 डायस्टोल ब्लड प्रेशर है। अभी जब हम इसको स्टार्ट करेंगे आईबीपी का, ये स्टार्ट है, ये स्टैंड बाय है और ये स्टार्ट है, जब हम इसको प्रेस करेंगे तो ये स्टार्ट हो जाएगा। स्टार्ट होने के बाद वो बलून जो है वो अपने आप ऑटोफिल होने लगेगा हीलियम गैस से, और
ये उसका मोड है, हम उसके तीन मोड होते हैं, एक हम ऑटो पे रख सकते हैं, एक सेमी ऑटो और एक मैनुअल, राइट। तो जब हम उसको स्टार्ट करेंगे थोड़े टाइम के बाद वो ऑगमेंटेड ब्लड प्रेशर दिखाने लगेगा। तो ये 140 कौन सा ब्लड प्रेशर है, ऑगमेंटेड, कौन सा ऑगमेंट किया उसने, डायस्टोलिक को ऑगमेंट किया। तो डायस्टोलिक पहले कितना था, 85 था ना, 85 ब्लड प्रेशर था डायस्टोलिक, जब हमने चालू किया तो वो 85 से ब्लड प्रेशर 140 होगा, इतना एडवांटेज। तो ये सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर से भी बढ़ गया, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 126 था उसका, अभी बलून से ये 140 mmHg हो गया, सो दैट इज एडवांटेज। उसके बाद ये हो गया, तो इसके मैंने बोला ना ऑटो होता है, ऑटो में वो मशीन खुद डिटेक्ट करता है जो भी ईसीजी से उसको इन्फ्लेट डिफ्लेट का देखना है, या तो आरटीआर प्रेशर वेवफॉर्म से जो भी उसको अच्छा, अगर अच्छे से ईसीजी आ रहा है तो ईसीजी को लेगा, अगर ईसीजी नहीं लगाया या तो उसमें आर्टिफैक्ट्स आ रहा है तो वो जो हमने प्रेशर लाइन लगाया उससे पता चलेगा, उससे वो इन्फॉर्मेशन लेगा और इन्फ्लेट डिफ्लेट करेगा, टाइमिंग वो करेगा। सेमी ऑटो में हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमें ईसीजी चाहिए, कि हमें कौन सा आपके प्रेशर चाहिए, कि प्रेशर मोड पे रखना है, राइट। तो ईसीजी पे रख सकते हैं हम, प्रेशर पे रख सकते हैं सेमी ऑटो में, पेसर अगर पेशेंट इज ऑन पेसमेकर, राइट, तो हम पेसर मोड सिलेक्ट करेंगे, सिर्फ एट्रियल पेसर है तो पेसर ए सिलेक्ट करेंगे, और इंटरनल यानी अगर पेशेंट अरेस्ट हो गया तो ना उसमें प्रेशर है ना उसमें ईसीजी है, तो हम उसको इंटरनल पे करेंगे तो 80 बीट्स पर मिनट के हिसाब से ऑगमेंट करने लगेगा, इरिस्पेक्टिव ऑफ व्हाटएवर इज द ईसीजी और ब्लड प्रेशर। तो ड्यूरिंग सीपीआर अगर हम किसी को भी आईबीपी है तो उसको इंटरनल पे रख देने का, तो 80 बीट मिनट्स पे वो ऑगमेंट करता रहेगा। फिर होता है टाइमिंग, तो प्रॉपर टाइमिंग बहुत जरूरी है। हां, तो टाइमिंग ऑटो में अपने आप सेट होता है, अगर सेमी ऑटो में हम खुद सेट करते हैं। तो ये डायक्रोटिक नॉच है, ये अनअसिस्टेड है, तो ये डायक्रोटिक नॉच है, तो इसमें बराबर हो रहा है कि ये जो डायक्रोटिक नॉच है तो इस लेवल से वो ऑगमेंट हुआ और ये डिफ्लेट हुआ। अगर उसमें प्रॉब्लम आता है, जैसे वो अर्ली इन्फ्लेट हो गया तो क्या होगा, अर्ली इन्फ्लेट हुआ तो एओटिक वाल ओपन है और बलून इन्फ्लेट हो गया तो एलवी को आफ्टरलोड बढ़ जाएगा, एलवी अच्छे से काम नहीं कर पाएगा, राइट। तो वो हमें देखने के ऐसा नहीं होना है, अगर लेट इन्फ्लेट होता है तो हमें उसका एडवांटेज नहीं मिलेगा। तो सेम वे अर्ली डिफ्लेट हो जाता है, लेट डिफ्लेट होता है तो अभी हमें जो एडवांटेज चाहिए वो नहीं मिलता है, तो हमें देखना है कि वो एग्जैक्टली जहाँ पर डायक्रोटिक नॉच है तभी वो इन्फ्लेट होता है, उससे जल्दी भी नहीं होता, उसके बाद भी नहीं होता। फिर उसमें अलग अलग अलार्म्स आते हैं, तो एक होता है कि ऑगमेंटेशन बिलो सेट लिमिट, तो हम जैसे हम हर एक चीज में जैसे ब्लड प्रेशर में अलार्म रखते हैं ना कि जैसे बीपी 80 से कम हो या 90 से कम हो तो हमें अलार्म दे, तो वैसे उसमें ऑगमेंटेड बीपी का अलार्म रख सकते हैं। तो ऑगमेंटेशन अगर हमें जो भी हमें रखना है, जैसे पेशेंट का 100 है ऑगमेंटेड तो हम उसको 80 का अलार्म रखेंगे कि 80 से कम ऑगमेंटेड है तो हमें अलार्म दे। फिर ऑटोफिल फेलियर, अगर यहाँ पे कुछ लीक है, जो कनेक्शन में कुछ लीक है तो बलून ऑटोफिल नहीं होगा तो अलार्म देगा कि ऑटोफिल एरर है। फिर अगर आईबीपी में कुछ कीम के ऐसा कुछ है तो अलार्म देगा कि चेक आईबी कैथेटर डिस्कनेक्ट हो गया है यहां से, तो अलार्म देगा कि आईबी इज डिस्कनेक्टेड। फिर अगर हमें कभी भी बलून को ज्यादा टाइम स्टैंड बाय पे नहीं रखना है, स्टैंड बाय में अगर ज्यादा टाइम रखते हैं तो क्या होगा, क्लॉट बन सकता है ना, उसके बाद इन्फेक्ट डिफ्लेट हो रहा है तो क्लॉट नहीं होगा, पर अगर वो एक ही पोजिशन में रहा तो वो क्लॉट हो सकता है, तो अगर वो प्रोलॉन्ग स्टैंड बाय में रहता है तो वो अलार्म देगा। फिर अगर रैपिड गैस लॉस और लीक इन आईबी सर्किट है तो अभी वो मशीन अलार्म देगा। सबसे इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए कि अगर पेशेंट आईबीपी पे है तो क्या मॉनिटर करना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द नर्सेस। तो सबसे पहले हमें रेडियल पल्स देखना है, लेफ्ट रेडियल पल्स, क्योंकि हमने बोला लेफ्ट सबक्लेन आर्टरी के पास होता है, अगर हमने बहुत अंदर डाल दिया तो ऑब्वियसली वो लेफ्ट सबक्लेन आर्टरी को बलून ऑक्लूड कर देगा, तो लेफ्ट साइड में पल्स नहीं आएगी, लेफ्ट रेडियल पल्स नहीं आएगी और यहाँ पे लेफ्ट साइड हार्ट में कलर चेंजेस होने लगे, मॉडलिंग होने लगेगा। तो इंसर्सर साइड पे देखना है कुछ ब्लीडिंग, कुछ हिमेटोमा तो नहीं हो रहा है। फिर ये हमें पेरिफेरल पल्स, जैसे राइट फीमोरल आर्टरी से हमने डाला तो राइट साइड का डॉर्सल स्पेडिस पल्स चेक करना है कि ठीक से आ रहा है कि नहीं आ रहा। आप चेक करते हैं डॉपलर से, आईबीपी जो यूज करते हैं वो सिस्टर्स को पता है कि वो डॉपलर से चेक करना पड़ता है कि पेरिफेरल पल्सेस है कि नहीं है, राइट। फिर जो आईबीपी की लाइन है उसको चेक करते रहना है कि उसमें कुछ किंक क्या नहीं है, यूरिन आउटपुट बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि अगर कैथेटर बहुत नीचे है तो वो रेनल आर्टरीज को ब्लॉक कर देगा, तो यूरिन आ रहा है कि नहीं वो भी हमें चेक करना है। और आईबीपी जब रिमूव करने का आता है तब हमें कोएगुलेशन प्रोफाइल चेक करनी होती है कि पीटीआईएनआर बराबर है कि नहीं, प्लेटलेट काउंट्स बराबर है कि नहीं, वरना अगर हम निकाल दें तो हीमेटोमा होने का चांसेस है। और आईबीपी को ग्रेजुअली वीन करना है, ऐसा तुरंत बंद नहीं कर सकते, तो धीरे धीरे पर कंप्लीटली स्टैंड बाय नहीं करना, एटलीस्ट 20% बलून इन्फ्लेशन रखना है, 20% अगर वो एक दो घंटा पेशेंट ठीक से मैनेज करते तो उसको निकाल सकते हैं। So thank you very much.